प्ले स्टोर पर जाना है, बीसी सखी ऐप टाइप कर देना है, ये दूसरे नंबर पर दिख रहा है यही है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इसे ओपन करना है, फिर यहाँ अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। OTP को सफलतापूर्वक भेजा गया, अब OTP हमारे फ़ोन में आ गया है, इसको मैं इसमें डाल दूंगा। वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, देखिए आ गया। यहाँ पे आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, छः स्टेप में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। पूरा आवेदन भरने के लिए पर्याप्त समय होगा एवं आपको पूरे ध्यान एकाग्रता एवं खुद की स्वतंत्रता सोच के साथ सभी सवालों के जवाब दें। प्रश्नावली में 5 सेक्शन है, सभी को अलग अलग भरना है और सेव और सबमिट करना है। सेव करने से अगर आपका फ़ोन अकस्मात इंटरनेट कनेक्शन से कट भी जाए तो बैटरी ख़त्म हो जाने से फ़ोन बंद हो जाए तो भी सूचनाएं सुरक्षित रहेंगी। अगर आप कोई सूचना गलत भर चुके हैं उसे सुधारना चाहते हैं तो सेव करने के पश्चात भी सुधार सकते हैं। जब आप अपने जवाब से आश्वस्त हो जाएं तो सेक्शन में अंतर में समरी में सभी जवाब को देख कर उसे सबमिट करें। सबमिट करने के बाद वो कोई सुधार नहीं कर पाएंगे, ये भी एक सेक्शन को बिना सबमिट किए आप दूसरे सेक्शन में नहीं जाएंगे, मतलब जब तक आप एक पार्ट नहीं कंप्लीट कर सकते दूसरे पार्ट में नहीं जाएंगे। बीसी चयन प्रक्रिया के अंत में हर ग्राम पंचायत के जो भी अभ्यर्थी चुने जाएंगे वे जिन्हें स्टैंड बाई के तौर पर चयनित किया गया हो उनका नाम ऐप के मैसेज बॉक्स पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि मोबाइल ऐप को सही एवं चालू हालत में सुरक्षित रखा जाए। सबमिट करने के बाद आप कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। ऐप में लगातार सुधार होते रहते हैं इसलिए हर कुछ दिनों में ऐप को हटाकर अनइंस्टॉल दोबारा इंस्टॉल कर लें, इससे आपको ऐप का अपडेट वर्जन मिलता रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें इसे अलाउ करेंगे। अब यहाँ सबसे पहला स्टेप है बेसिक प्रोफाइल का, इस पे जाएंगे तो अपना पहला नाम, मध्य नाम, सरनाम, प्रोफाइल फ़ोटो, जेंडर, उम्र, यहाँ से अपना कैटेगरी चूज करना है। उसके बाद जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, गांव, फिर यहाँ से बस्ती कोई है तो बस्ती का नाम, अदरवाइज गांव का नाम। आधार कार्ड के दोनों तरफ की फ़ोटो यहाँ पे, यहाँ पे पहले साइड की फ्रंट, यहाँ पे उसके पीछे की साइड की, यहाँ आधार नंबर, यहाँ पे पिता या पति का नाम। उसके बाद आपको यहाँ पूछेगा दूसरे स्टेप में आपका शिक्षा पढ़ने लिखने की कुशलता, क्या आप 10वीं पास हैं, क्लास 10th पास हैं तो यस करिए, क्लास 10th पास है और समूह के कार्य में दक्ष हैं यस, इस पर भी यस कर सकते हैं। इसमें आपको जो समझ में आए उस ऑप्शन पे चूज कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, कौन सा मोबाइल चला रहे हैं, टच वाला बटन वाला, तो इसमें आपको टच वाला डालना है। फ़ोन करने के अलावा मोबाइल से और क्या कर सकते हैं, मैसेज लिखना, पढ़ना, जोड़ घटाना, व्हाट्सएप करना, इसमें सब पे टिक कर दीजिए। उसके बाद क्या वो व्हाट्सएप नंबर है, हाँ, कौन सा वाहन चलाना आता है, साइकिल, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, इसमें से जितने ऑप्शन आपको
समझ में आया उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जितना फॉर्म भरे रहेंगे पूरा डिटेल आपको यहाँ पे पूरा दिख जाएगा। उसके बाद इस स्टेप को आपको कर देना है सबमिट। दोस्तों जैसे यहाँ आप सेव करेंगे यहाँ पर दिखाएगा कि आप सेव करने के बाद अपना सूचना को बदल नहीं सकते, क्या आप सेव करना चाहते हैं? तो यहाँ हम यस कर देते हैं। सही, सबमिट किया गया। अगले भाग में बढ़ें। अब यहाँ से आपको पारिवारिक प्रोफाइल भरना है। वैवाहिक स्थिति हाँ है तो हाँ, नहीं तो नहीं। घर में कितने सदस्य हैं, कौन कौन, बच्चों का विवरण। घर में कितने सदस्य हैं, कौन कौन, बच्चों का विवरण। तो जितने सदस्य हों आपको यहाँ पे, अगर उम्र 10 साल से कम है तो नहीं है। तो यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। 11 से 16 साल की उम्र के बच्चे हमारे इसमें भी 0, 16 साल की उम्र के बच्चे। आपके परिवार के मुख्य आजीविका के साधन क्या है, यहाँ पे आपकी जो हो। स्थाई दुकान, कारीगरी या कुशल मजदूर, नरेगा। ठीक, इसमें जो समझ में आया आप भर सकते हैं, इन दो ऑप्शन भी हो जाएगा। अस्थाई नौकरी इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपके परिवार के आजीविका के और मुख्य अवसर क्या हैं। निर्माण से जुड़ी हुई व्यवसाय, लेन देन, खरीद बेच से जुड़ा व्यवसाय, सामान सामग्री, खाद्य प्रसंस्करण का व्यवसाय, कपड़ा सिलाई, फर्नीचर से जुड़ा काम, आसान दर से पूंजी उपलब्ध करने से चल रहा, खेती किसानी। अब इसमें से कोई भी इस हर स्टेप में से एक आपको चूज करना है और बाकी के आप ज़्यादा भी चूज कर सकते हैं। इन अवसरों के रास्ते में क्या क्या प्रमुख दिक्कतें हैं। पूंजी की कमी तो सबको ही है, कमजोर वर्ग से आए समूहों का संरक्षण, सरकारी अनुमति, बैंक स्थानीय अधिकारी को, राजनीतिक हस्तक्षेप। चलिए ठीक, पहला ऑप्शन सही। घर में प्रमुख 3 कमी जो आप अपने साधन से पूरा करना चाहती हैं। आवास को ठीक करना, घरेलू सुविधा उपकरण, परिवार के आमदनी को स्थायी स्रोत की व्यवस्था। इसमें आप फ्रिज कूलर ये सब मत भरिए। भविष्य के लिए बचत कर लेना ताकि पढ़ाई को सही से सुविधा। ठीक है, ये सही है। इसके बाद फिर आपको पूरा दिखाएगा डिटेल, फिर आप इसे सबमिट करेंगे। फिर पूछेगा कि आप जब तक इसे एडिट करना चाहते हैं तो कर ले, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हम कर देते हैं। हाँ, देखिए 2 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं भाग 1। पूछ रहा है कि आप किसी समूह के सदस्य, पदाधिकारी, कमेटी, सामुदायिक कैडर हैं। तो आपको यहाँ पे सदस्य होना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत होगा, क्योंकि आपको होना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं, क्या आप किसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य, पदाधिकारी या कम्युनिटी सामुदायिक कैडर हैं। समूह सखी, कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीसी सखी। तो अगर इस पर आप नहीं करते हैं, क्या आप अपने कभी समूह संगठन करने की सोची हैं। तो कर दीजिए हाँ। समूह संगठन की दिशा में आपने क्या कोशिश की। स्वयं समूह के बारे में जानकारी होना, सभी को बताना, कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों से संपर्क स्रोत स्थापित करना।
इसमें से आप दो तीन ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो आपको सही लगे। उसके बाद पूछेगा क्या आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते तो आपका चयन क्यों किया गया होता। अगर आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते तो आपका चयन क्यों किया गया होता। कोई गुण या उपयोगिता देखी गई होती। बिल्कुल। आर्थिक संभावना मेरी लोगों को समझाने बनाने कुशलता के कारण, समूह के कृत्यों की दक्षता के कारण, समूह के सभी सदस्य हमारी बात मानकर चलने के कारण, उस संभावना के कारण, मैं पहले समूह में शामिल रह चुकी हूँ अनुभव के कारण। इसको भी डाल सकते हैं। पूछ रहा फिर अगर आपने समूह के सदस्यों के बारे में हैं, अगर आपने समूह के सदस्यों के बारे में हैं, अगर आपने समूह के सदस्यों के बारे में हैं तो वे क्या हैं। जानकारी, उनकी स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम की अच्छी समझ है। नेतृत्व, उनकी बात पूरे समूह के सदस्य भी मानते हैं। अच्छा, इसमें से कोई एक चूज करना है। जानकारी, नेतृत्व कौशल, सामाजिक जुड़ाव, स्वैच्छिक बचत करते हैं। ये पृष्ठभूमि क्या हैं। सामाजिक जुड़ाव, सभी सदस्य पदाधिकारी उनके समाज की पृष्ठभूमि क्या हैं। जानकारी, उन संयुक्त समूह कार्य की अच्छी समझ है। कौशल, उन्हें कृत्यों के समझ अच्छी है, सारे कृत्यों को खुद संपन्न कर सकते हैं। इसमें यही ऑप्शन नेतृत्व वाला ठीक है। अगर आप समूह के होते तो क्या सहयोग कर सकते हैं। वे समूह के कार्यक्रम के बारे में जानकार बहुत हैं। तेज व्यवसायिक दिमाग रखती हैं। समूह के बचत को बहुत ज़्यादा उपयोग में ला सकती हैं। निडर हैं, आत्मविश्वासी हैं, किसी भी सामने ठीक से अपनी बात रख सकती हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत परिवार से जुड़ी हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। रहेंगे समूह के हित में रहेंगे। बैंकों या कार्यक्रम अधिकारी से मिलते वक्त हमारी पक्ष में बात करेंगे। इसमें आप एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट आएंगे। यहाँ पे आपका सारा डिटेल दिखाएगा, जो आप भरे रहेंगे उसको सबमिट कर देंगे, ये भी सबमिट हो जाएगा। तीन स्टेप आपके सबमिट हो गए हैं। उसके बाद आते हैं भाग चार में। क्या आप समूह में नियमानुसार बचत के अलावा स्वेच्छा से किए जाने वाले बचत का भी प्रावधान होना चाहिए। क्या समूह में नियमानुसार बचत के अलावा स्वेच्छा से किए जाने वाले बचत का भी प्रावधान होना चाहिए। तो इसको कर दीजिए बिल्कुल होना चाहिए। इसको सबमिट कर दीजिए। फिर भाग तीन पे आते हैं। क्या आप आराम से हिंदी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। बिल्कुल कर दीजिए हाँ। अंग्रेजी पढ़ने लिखने में आप कितना सहज हैं, तो इसमें लिख दीजिए बिल्कुल नहीं, या तो लिख दीजिए कुछ खास नहीं, तो बिल्कुल नहीं कर दीजिए। क्या आप हिंदी और अंग्रेजी में सभी अंक पहचान सकते हैं। बिल्कुल पहचान सकते हैं। इसमें आपको किसी में नहीं नहीं ना नहीं करना है। कौन सा सदस्य आपके समूह खाता बही रखता है या उसका रखरखाव करता है। तो इसमें स्वयं का ऑप्शन ही आ रहा है। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों, अब देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट का वीडियो हमने अलग से बना कर डाल दिया है यूट्यूब पे। आप इसके पहले वाले वीडियो देखिएगा, तो उसमें आपको पूरा क्वेश्चन आंसर का पूरा एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन।